अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई चैनल राइजिंग केयर। जी हम अपने पैटर्न रीडिंग प्रोजेक्ट की आज थर्ड और लास्ट वीडियो पर हैं, जिसमें मैंने आपको रो नंबर 16 से रो नंबर 27 तक की इंस्ट्रक्शंस देनी है और आपको बताना है, साथ साथ आपके साथ अपने वर्क की पिक्चर शेयर करनी है। तो सबसे पहले हम रो नंबर 16 पे देखते हैं कि क्या हो रहा है। रो नंबर 16 है हमारी और रो नंबर 16 में स्टार्ट ही हमारा स्लिप स्टिचेस के साथ हो रहा है। पहले हम चेन थ्री करेंगे, ठीक है। चेन थ्री करने के बाद हम दो डीसी करेंगे स्टिच, ठीक है। और आगे के डीसी जो हैं वो सारे काउंट कर लेने हैं। जब भी आप अपने किसी पैटर्न पर वर्क कर रहे हों तो आप अपने जो स्टिचेस हैं और चेन्स हैं उनके ऊपर होमवर्क कर लें, काउंट करके उस रो के साथ अपनी लिख लें, ठीक है। मेरी पैटर्न पिक्चर लास्ट वाली खो गई है, उसके ऊपर मैंने सारा जब मैंने वर्क किया था तो मैंने रोज़ के ऊपर मेंशन कर दिया था कि किस रो में कितना वर्क जो है वो हुआ है, कितने डीसी हैं, कितने चेन स्पेसेस आ रही हैं। तो यहाँ पर अब आपको कैसे होगा, हम काउंट करेंगे सारे डीसी और जो हमारा लास्ट 15 रो में था पैटर्न टू चेन्स, उसके अंदर भी डबल क्रोशे बनेंगे, डबल क्रोशे के ऊपर भी डबल क्रोशे बनेगा, ठीक है। और फिर टू जो चेन्स हैं उसके अंदर भी दो डीसी बनेंगे, फिर डीसी के ऊपर डीसी, फिर दो डीसी, फिर डीसी के ऊपर डीसी। तो ओवरऑल यहाँ पर हमारे तमाम स्टिचेस जो हैं वो डीसी के चलेंगे। हमारे पास टोटल यहाँ पर 37 डबल क्रोशे होंगे, 37 डीसी बनेंगे और हमारा ये वाला फ़ैन कंप्लीट होगा। जब ये वाला फ़ैन कंप्लीट होगा तो हम उसके ऊपर फर्स्ट जो हमारे टुगेदर वाले स्टिचेस हैं वो बनाएंगे, ठीक है। ये हम यहाँ पर हैं 16 रो पर और यहाँ पर हमारे पास 37 डबल क्रोशे जो हैं वो होने चाहिए, वो आएंगे। उसके आगे हमने फिर यहाँ पर चेन्स करनी है। चेन्स का गैप कितना है वो भी हम काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 चेन्स करेंगे और फिर से हमारी डबल क्रोशे की स्टार्ट हो जाएंगी और वो 37 डबल क्रोशे हमारे फैन के बनते जाएंगे। ये हमारी रो नंबर 16 जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। रो नंबर 17 पर हम आगे हैं और रो नंबर 17 में स्लिप स्टिचेस हो रहे हैं, जो कि मैंने 16 के शुरू में कह दिए थे। अब हमने इन तीन स्टिचेस को स्लिप स्टिच कर देना है, इधर से स्लिप स्टिच करके अगले पे आना है, उससे स्लिप स्टिच करके अगले पर आना है। मतलब कि दो हमारे यहाँ से स्टिच जो हैं वो मिस हो जाएंगे, दो स्टिच हमने छोड़ देने हैं। थर्ड स्टिच में हम चेन्स करेंगे, टू चेन्स करेंगे और आगे हम तीन जो हैं उसमें हाफ हाफ कंप्लीट करेंगे डबल क्रोशे और फिर उसको टुगेदर कंप्लीट करेंगे, तो एक क्लस्टर सा हमारे पास बनेगा। ये क्लस्टर स्टिचेस को कहते हैं। ये हम कंप्लीट करेंगे फोर स्टिचेस के साथ। उसको कंप्लीट करने के बाद फिर आप जब टुगेदर उसको ज्वाइन करेंगे तो आपका एक चेन होगी, ठीक है। टुगेदर ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पर ऊपर एक चेन होगी। उसके अलावा आपने इसके बीच में 1 2 3 4 चेन्स का गैप देना है। तो अब ये जब आप इसको टुगेदर कंप्लीट करेंगे क्लस्टर को, जो हाफ डबल डीसी हाफ हाफ कंप्लीट किए थे आपने, तो इसमें इस चेन को काउंट नहीं करना जो आपने इसके ऊपर की है। उसके अलावा आपने चार चेन्स करनी है और फिर आपने नेक्स्ट फोर स्टिचेस में उसी तरह से क्लस्टर कंप्लीट करना है, हाफ हाफ कंप्लीट करने के बाद फिर चारों को टुगेदर कंप्लीट करना है और फिर फोर चेन्स। तो ये हमारे पास टोटल कितने बनेंगे, 1 2 3 4, ठीक है, फोर बना लेंगे। तो जो हमारा मिड वाला स्टिच है, फोर बनाने के बाद एक स्टिच वो हमारा स्किप हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, उसमें वर्क नहीं कर रहे। देखिए ना, इसके ऊपर से यहाँ पर डीसी का स्टिच शो हो रहा है इस डीसी के ऊपर, यहाँ पर डीसी का स्टिच शो हो रहा है इस डीसी के ऊपर, ये दरमियान में एक जो है ये मिस कर रहे हैं, ठीक है। सेंटर में हम एक मिस करेंगे तो हमारी दोनों साइड्स पर स्टिचेस बराबर के आएंगे, वरना एक साइड पर हमने दो स्किप किए थे तो एक साइड पर तीन स्किप हो रहे होंगे। वैसे आपने नहीं करना, हमेशा आपने चार के बाद एक स्टिच को स्किप कर देना है और फिर चार बनाने हैं। टोटल आपके यहाँ पर आठ बनेंगे, लास्ट में दो को फिर आपने स्किप कर देना है। स्किप करके फिर आपकी आगे कितनी चेन्स हैं यहाँ पर, 1 2
टू चेन्स करनी है। लास्ट क्लस्टर के बाद आपने टू चेन्स करनी है और टू चेन्स करने के बाद आपने दरमियान में डबल क्रोशे करने हैं। तो डबल क्रोशे कितने होंगे, यहाँ से आपने ये वाली दो चेनें छोड़ दी, उससे आगे वाली चेन में आपने करना है 1 2 3 4 5 6 7, 7 में आपने करने के बाद फिर तीन चेन्स करनी है और फिर आपने 7 डीसी बना लेने हैं, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया, यहाँ पर आपने टू चेन्स छोड़नी है और फिर आपका नेक्स्ट आगे वही पैटर्न चलेगा, राउंड में आपने कंप्लीट करना है और आकर आपने स्लिप स्टिच करना है बिल्कुल फर्स्ट जो हमारा क्लस्टर बना था उसके ऊपर। रो नंबर 18 पर हम आ गए हैं। रो नंबर 18 में हम थ्री चेन्स कर स्टार्ट लेंगे और हम डबल क्रोशे करेंगे इस फर्स्ट उसमें थ्री टाइम्स। कहाँ करेंगे हम, जो हमने फर्स्ट क्लस्टर के बाद चेन्स का गैप था फोर चेन्स का, वहाँ पर करेंगे। तो चार डबल क्रोशे बनाने के बाद फिर दो चेने, फिर चार डबल क्रोशे, फिर दो चेने, चार डबल क्रोशे, दो चेने, चार डबल क्रोशे। तो यहाँ पर आपके पास ये डबल क्रोशे के कितने सेट होंगे, आपके पास एक फ़ैन का नेक्स्ट पार्ट होगा 1 2 3 4 5 6 7 आपके पास होंगे, ठीक है। तो आपने जो इन डबल क्रोशे के बाद यहाँ पर ये चेन गैप है इसको छोड़ देना है, यहाँ पर हम स्लिप स्टिच करके आगे गए, ठीक है। हमने ज्वाइन उसके पीक पे किया था, फिर स्लिप स्टिच करके हम गैप में चले गए, गैप में हमने थ्री चेन्स करके स्टार्ट लेना है, ठीक है। तो हमारे पास 7 हमारे ये सेट बनेंगे डबल क्रोशे के, 4-4 के, और फिर हम दो चेने करेंगे, यहाँ पर टू चेन्स होंगी और फिर हम पहले दो को स्किप कर देंगे और नेक्स्ट में पार्ट करेंगे और जो हमारे पास हमारा कॉर्नर है वहाँ पर हम दो डबल क्रोशे चेन 3 और दो डबल क्रोशे कंप्लीट करेंगे और फिर यहाँ पर दो छोड़ देंगे, स्किप कर देंगे, स्किप स्टिचेज होंगे, ऊपर हमारी दो चेन्स चल रही हैं और नेक्स्ट हमारा पैटर्न चलेगा और सर्कल में हम कंप्लीट करेंगे और आकर फर्स्ट चेन 3 गैप जो है वहां पर ज्वाइन करेंगे। रो नंबर 18 हमारी कंप्लीट हो चुकी। रो नंबर 19 पर हम आ चुके हैं और रो नंबर 19 में हमने जहां पर ज्वाइन किया था वहाँ उसके ऊपर हम टू चेन्स करेंगे और फिर से हम क्लस्टर्स की तरह वर्क करेंगे। इन चार के ऊपर हमने चारों को बना के क्लोज करना है और एक पेटल हमारे पास पूरी तैयार होती है, जैसे कि ये आपके पास है। एक रो में ये इतना होगा, हाफ कंप्लीट होगा और ऊपर हम ये टुगेदर वाले स्टिचेस करेंगे तो ये नोकीली सी एक दो लाइनों को मिला के हमारी पेटल बन जाती है, ठीक है। अब हम यहाँ पर हैं सेकंड वाली रो पे और सेकंड वाले उसमें हम पेटल्स पर वर्क कर रहे हैं। अब हमारे पास जो हम टुगेदर कंप्लीट करेंगे तो हमारे पास 7 सेट्स थे, तो हमारे पास ऊपर भी हम इनको क्लस्टर्स बनाएंगे तो 7 बनेंगे और हर क्लस्टर के बीच में 4 चेन्स का गैप है, बिल्कुल उसी तरह जैसे इन क्लस्टर्स के बीच में था। जो चेन जिससे आपने इनको ज्वाइन किया उसको आपने काउंट नहीं करना, उसके अलावा 1 2 3 4 चेन्स का गैप है और फिर आकर यहाँ पर अब हमारी यहाँ पर चेन्स जो हैं वो भर रही हैं, ठीक है। सॉरी, हम यहाँ पर हैं, अब हमारी चेन्स जो हैं वो भर रही हैं, भर रही हैं। तो 3-2 थी यहाँ पर, अब हमारे पास यहाँ पर 3 हो जाएंगी, 3 हो जाएंगी और फिर हम लोग डबल क्रोशे करेंगे और यहाँ पर डबल क्रोशे का बिल्कुल सेम अभी तक पैटर्न चल रहा है इधर इस रो तक, मतलब 1 2 3 4 5 6 रोज में हमने सेम लेके चलना है, पहले दो को छोड़ देना है, फिर हमने नेक्स्ट 5 में वर्क करना है और आगे दो करने हैं हमने कॉर्नर में, चेन 3 करना है फिर दो करने हैं, तो कॉर्नर में हमारे दो डबल क्रोशे, चेन 3 दो डबल क्रोशे आ जाएगा और फिर आगे 5-5 हम करेंगे, इस साइड पे 5 है, इस साइड पे 5, तो टोटल 7-7 का चल रहा है, 7 और 7 डबल क्रोशे का। और नीचे से हम पहले दो डबल क्रोशे हमेशा से छोड़ रहे हैं, ये 6 रोज में हमने इस साइड पर बिल्कुल यही वर्क करना है, हमने दो छोड़ देने हैं शुरू में भी और आखिर में भी और इनको हमने 7 को 7 ही लेके चलना है। चेन 3 आ गया, फिर आगे के क्लस्टर्स पर वर्क किया और कंप्लीट करते हुए आए हम और हम अब आ गए हैं रो नंबर
19 के एंड पर, ठीक है। और हमने अब स्टार्ट लेनी है रो नंबर 20। अच्छा, अब आपने देखा कि कलर इन्होंने चेंज किया है, इन दो रोज़ में ब्लैक मैरून कलर यूज़ हुआ है जो हमारे पास कलर्ड पिक्चर है उसके मुताबिक, और आगे उन्होंने सेम एक मस्टर्ड कलर यूज़ किया है जो कि मैंने येलो कलर यूज़ किया है। तो मैंने यहाँ पर कॉपर ब्राउन यूज़ किया, उसके बाद मैंने फिर मैरून कलर को यूज़ किया, यहाँ उन्होंने रेड किया हुआ है और यहाँ पर वो मस्टर्ड यूज़ कर रहे हैं तो मैंने यहाँ पर येलो कलर। तो आप जो कलर कम्बिनेशन से वर्क कर रहे हैं उसी तरह आप वर्क करेंगे, अपने कलर टोन्स को जैसे आपने चेंज करना है उसके अकॉर्डिंगली आप चेंज करेंगे। अगर आप कट करेंगे तो आपने सेम उसी तरीके पॉइंट से ज्वाइन करना है ताकि आपको किसी किस्म की कन्फ्यूजन ना हो। तो ये रो नंबर हमारी 19 भी कम्प्लीट हो गई। अब हम आगे हैं रो नंबर 20 पर, और रो नंबर 20 में हमने क्या करना है, बिल्कुल रो नंबर 18 की तरह हम पहले उसके ऊपर से स्किप करके जाएंगे और स्पेस के अंदर आ जाएंगे। स्पेस के अंदर आके हम 3 चेन्स से स्टार्ट लेंगे और 3 डबल क्रोशे करेंगे, 2 चेन्स, फिर 4 डबल क्रोशे, फिर 2 चेन्स, फिर 4 डबल क्रोशे, स्पेसेस में जाएंगे, अब फिर हमारे क्लस्टर कम हो जाएंगे, टोटल 6 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, वो करेंगे। और आगे 3 चेन्स ही हैं हमारी, इसमें भी 3 चेन्स थी, नेक्स्ट 20 वाली रो में भी 3 चेन्स हैं, सेम उसी तरह जो मैंने आपको प्रीवियस रो में बताया था, और फिर 3 चेन्स के साथ इसी तरह वर्क करते हुए इसको रो को कंप्लीट करेंगे और हमारी रो नंबर 20 कंप्लीट हो जाएगी। हम आ जाएंगे अपनी रो नंबर 21 पर। अच्छा जी, अब मैंने रो नंबर इनकी हर एक रो की पिक्चर नहीं ली है क्योंकि ये ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं थे स्टिचेस, तो मैंने इन तमाम रोज़ को एक साथ कंप्लीट किया और फिर उसकी एक पिक्चर ली। तो मैं अब इन तमाम रोज़ को एक साथ डिफ़ाइन कर दूंगी आपको बग़ैर पिक्चर के। हम आ चुके हैं रो नंबर 21 पर। रो नंबर 21 में हमने टुगेदर कंप्लीट किया इनको, 4 स्टिचेस को जो शुरू के थे, फिर हमने 4 चेन्स का गैप दिया, फिर टुगेदर कंप्लीट 4 चेन्स का गैप करते हुए आए और यहाँ पर फिर हमारे 3 ही हैं चेन्स और 7 डीसी वाला वर्क है, फिर 7 डीसी, फिर 3 चेन्स गैप और इसको क्लोज़ करने का है। ये रो नंबर हमारी सिंपल उसी तरह कंप्लीट हो जाएगी जैसे कि दूसरी रोज़ हमारी क्लस्टर्स की कंप्लीट होती गई। इसके बिल्कुल ऊपर पीक पर आकर हम जो चेन है वहाँ पर स्लिप स्टिच करके ज्वाइन करेंगे और स्पेस में आ जाएंगे। स्पेस में आने के बाद अब जो है स्पेस में 5 हम 4 डबल क्रोशे का वर्क तो करेंगे लेकिन उसको आगे क्लस्टर में चेंज नहीं करेंगे, हमारी नेक्स्ट रो जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगी। तो स्पेसेस 1 2 3 4 5, 5 स्पेसेस हैं हमारी, 5 स्पेसेस में हमने 4 डबल क्रोशे पर वर्क कर लिया, चेन 3 किया और 7 डीसी, और 7 डीसी सेम चला और फिर चेन 3 और आगे का पैटर्न सेम हमारा चलेगा। रो नंबर 23 हमारी स्टार्ट से पहले हम अब करेंगे स्लिप स्टिचेस। स्लिप स्टिचेस कितने करेंगे, इन 4 स्टिचेस के ऊपर से हम स्लिप स्टिच करते हुए आएंगे और स्पेस में आ जाएंगे। डायरेक्ट स्पेस में आकर हमने क्या करना है, 4 सिंगल क्रोशे करने हैं। यहाँ पर हम डीसी छोड़ के अब एससी पर आ जाएंगे। तो एससी के लिए हमें 1 2 3 4 स्पेसेस है हमारी, तो 4 स्पेसेस में हम 4 एससी करेंगे, 4 एससी, फिर चेन 2 का गैप, सॉरी चेन 3 का गैप, फिर 4 एससी, फिर चेन 3 का गैप, फिर 4 एससी, फिर चेन 3 का गैप और फिर 4 एससी। और इसके बाद एससी जब हम करेंगे तो हमारे पास एकदम हम जंप करेंगे यहाँ पर चेन्स में 1 2 3 4 5 6 7, 7 चेन्स हमारी, 3 पहले थी चल रही, एकदम से 4 चेन्स का हमारा जंप आ गया और अब हम यहाँ पर 7 चेन्स का गैप करेंगे। साथ ही हमारे जो ये वाला पॉइंट है इसको भी उन्होंने करना शुरू किया। क्या शुरू किया इन्होंने, इन्होंने यहाँ पर प्रीवियस रो में ये किया था कि एक स्टिच को स्किप किया था, ठीक है। अब हम इधर आगे हमने एक स्टिच को स्किप करना है, यहाँ पर हमारे साथ ही चल रहे थे साथ साथ, अब हम यहाँ से एक को स्किप करेंगे और आगे हमने 2 ही करने हैं, तो हमारे टोटल ये जो हैं डीसी ये 8 डीसी हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 डीसी हो जाएंगे। चेन 3 गैप है फिर 8 डीसी और फिर 7 चेन्स का और सिंगल क्रोशे का हमारा पैटर्न चलेगा। रो नंबर 23 भी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। रो नंबर 24 में आकर हमने फिर से 4 स्लिप स्टिच करने हैं और हमने नेक्स्ट चेन गैप्स में आना है और हमने 3
टाइम्स 4 सिंगल क्रोशे को रिपीट करना है, और इनके बीच में जो चेन गैप्स हैं वो हमारे 3 चल रहे हैं। फिर हमारी दोबारा चेन्स चेंज होंगी, यहाँ पर हमारे पास 7 थी, मेरे ख्याल से यहाँ पर 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 चेन्स गैप होगा, और यहाँ पर हमारे एक स्टिच को स्किप करेंगे और दरमियान में हम 2 को ही कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ पर पहले 8 हुए थे, अब 9 हो जाएंगे, और फिर चेन 3 और 9 डबल क्रोशे, और फिर 9 हमारी चेन्स और आगे के वो पैटर्न। रो नंबर 24 कंप्लीट होगी, रो नंबर 25 पर आएंगे, फिर से यही करना है, सिंपल आपने स्लिप स्टिचेस कर गैप में आ जाना है, जब तक कि आपके यहाँ पर एक गैप का नहीं रह जाएगा, आपका पैटर्न चलता रहेगा। रो नंबर 25 में भी हमने 4 सिंगल क्रोशे किए चेन गैप्स में, फिर हमने बीच में 3 चेन्स की, फिर 4 सिंगल क्रोशे, फिर 3 चेन्स, फिर 4 सिंगल क्रोशे, और हम अब क्या कर रहे हैं, अब हमने कितनी चेन्स करनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 ही चेन्स चलेंगी, तो आगे हमारे डीसी भी हो जाएंगे। फिर 26 पर आगे, 20 रो नंबर 26 हमारी उसी तरह से स्लिप स्टिचेस करते हुए आगे आएंगे और गैप में वर्क करेंगे। 2 हमारे पास अब होंगे सेट्स, 4 ऐसी के, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 हमारी चेन्स होंगी, और यहाँ पर भी हमारे डीसी ज़्यादा हो जाएंगे क्योंकि हम यहाँ से एक स्किप कर रहे हैं और आगे 2 बढ़ा रहे हैं, तो हमेशा इस रो जब ये बढ़ना शुरू हुए हैं तो हर रो में एक एक डीसी जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, लास्ट रो पर आएंगे हम लोग, लास्ट रो 26 है, 26 में स्लिप स्टिचेस करके एक ही चेन गैप रह गया हमारे पास, लास्ट वाला चेन गैप रह गया, तो उसमें हमने लास्ट वाले चेन गैप में 4 ऐसी कर लिए। 4 ऐसी करने के बाद हमने अब कितनी चेन्स को करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो ये कितनी चेन्स बनी, 13। 1 में मैंने 4 ऐसी कर लिए, 13 चेन्स की, और फिर एक स्किप किया और आगे सिंगल क्रोशे किए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11। 7 से हम 11 पर चले गए इंक्रीज होकर, और फिर चेन 3 गैप, और फिर 11 डीसी, और फिर हमारे 13 चेन्स का, और इसको इसी तरह कंप्लीट करेंगे, राउंड आकर इसके साथ ज्वाइन करेंगे और कलर चेंज करेंगे, और हम बॉर्डर लाइन कर लेंगे, सिंपल ऐसी से बॉर्डर लाइन कंप्लीट करेंगे, तमाम उनके अंदर ऐसी करेंगे। जो हमारे यहाँ पर ये सर्कल सा एक बना है, ये पी कॉर्ड को जाहिर कर रहा है। ठीक है, आप इसको देख के समझें कि ये हमारा पी कॉर्ड स्टिच है। तो आपने पीकॉट कैसे बनाना है, आपने इसके 2 कर लिए, 2 में सिंगल क्रोशे किया, उसके बाद ऊपर एक चेन की, फिर उसके अंदर पीकॉट को कंप्लीट करने के बाद फिर आगे के 2 किए, तो आपके पास ये उभार सा आ गया जो कि आपके पीकॉट स्टिच को जाहिर कर रहा है, ये हुआ है पैटर्न में, और बाकी तमाम में सिंगल क्रोशे हुए हैं। जब आपने कॉर्नर के उस पर आना है तो आपने 2 ऐसी, 2 चेन्स और 2 ऐसी कर लेने हैं। अगर आप इसको ज़्यादा पॉइंटेड चाहते हैं तो आप 3 चेन्स का गैप कर सकते हैं, मैंने 2 चेन्स का गैप किया है। इस तरह आपका ये पैटर्न कंप्लीट होता है। फुल कंप्लीट पिक्चर भी मैंने आप लोगों से शेयर कर दी और कर देती हूँ दोबारा से। तो होप कि आपको पैटर्न रीडिंग का प्रोजेक्ट मज़े का लगा होगा, आपने इसको एंजॉय किया होगा। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करें, और अगर आप मज़ीद पैटर्न रीडिंग के प्रोजेक्ट करना चाहते हैं मुझे कमेंट में लाजमी बताएं। अगर आपको कोई पैटर्न मुश्किल लगता है तो आप उसकी पिक्चर भी शेयर कर सकते हैं और बता सकते हैं और पूछ सकते हैं कि पैटर्न में क्या हो रहा है, और हमें ये पैटर्न रीड जो है वो करके बता दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।